यूसुफ असद साहब कहते हैं बैत होना चाहता हूं जी, तरीका क्या है बता दें। देखें, बैत होने के लिए किसी भी साहिब निस्बत बुज़ुर्ग को ढूंढना चाहिए। तो आपका जो इलाका हो वहाँ पर आप देखें आपके इलाके में कौन से हजरात हैं, जो मारूफ यानी हजरात हैं, उनमें जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं तो वो कराची के अंदर सबसे बड़ी शख्सियत हैं, मारूफ हैं। हमारे ख़ुद जामत रशीद में कई असाज़ा हैं जिनको इजाज़त है। तो मुख्तलिफ मदारस में आप चक्कर लगाएं, आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर कौन कौन हजरात हैं। तो बैत में असल चीज़ होती है मुनासिबत, कि आपकी अपने शेख से मुनासिबत हो जाए। तो आपको चाहिए कि आप उनके बयानात में जाके बैठें और सोचें कि मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है जी, तो उस फ़ायदे का वो करने की कोशिश करें। तो जहाँ पर आपको 3-4-5 जगहों पे जाएं, जहाँ पर आपको महसूस हो कि यहाँ पर मेरा दिल ज़्यादा लग रहा है, मेरी मुनासिबत ज़्यादा हो रही है, मेरे जहनी हमांगी ज़्यादा महसूस हो रही है। तो क्योंकि जैसे डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर तो सारे ही डॉक्टर होते हैं, लेकिन आप बात से मुतमईन होते हैं, बात से नहीं होते। तो इसी लिहाज से शेख भी होते हैं कि शेख जो है किसी का मिजाज कुछ है, किसी का कुछ है, कोई नरमी से बात करता है, कोई थोड़ी शिद्दत से बात करता है, कोई जो है ज़्यादा जो है वो लोगों को नेकियों पे लाता है, कोई गुनाहों से रोक रहा होता है। तो हर एक के अपने मिजाज होते हैं, तो इसी तरह मुरीदीन के मिजाज भी उनसे मुख्तलिफ होते हैं, वो मिल जाते हैं। तो आप इसका इत्तमाम कर लें, उसके बाद जहाँ जहाँ ज़्यादा आपका शर सदर हो रहा हो इस्तखारा करें और वहाँ पर फिर दरख्वास्त दे दें। ठीक। तो कुछ अर्सा आमतौर पे वो इस्लाही खतों किताबत होती है, उसके बाद फिर वो बैत का मौके भी दे देंगे इंशाल्लाह।